नमस्कार, मैं हूं ललित साहू, साधना न्यूज संवाददाता, और हम हैं अभी अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ आज चर्चा के लिए उमेश बंजारे जी है, जो सेवा सहकारी समिति अहिवारा का अध्यक्ष है, और अपनी अध्यक्षता के माध्यम से सेवा सहकारी समिति अहिवारा को एक नई आयाम दे रहे हैं। और चूंकि आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज नेता है, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र जी का क्षेत्र है ये, और गुरु रुद्र जी लगातार अहिवारा विधानसभा को जो आयाम दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव होना है, कितना काम हो पाया है, कितना बाकी है, और मंत्री जी इन 4 महीनों में और क्या नया करेंगे, सारी बातों को हम समझेंगे। और हमारे साथ बंजारे जी है। बंजारे जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं उमेश कुमार बंजारे, सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष अहिवारा। जी बंजारे जी, चुनाव को महज 4 माह शेष रह गया है, और मंत्री जी लगातार हर कार्यक्रम में जा भी रहे हैं और जाकर अपना समर्थन फिर से मांगना चालू कर दिए हैं। हम उनके 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 4.5 साल तक मैंने आप लोगों को दिया है, अब जो समय है मांगने का है, मैं भी आप लोगों से मांग रहा हूं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी निरंतर जो है मंत्री जी का जो कार्यक्रम है, हर एक गांव में जा जा करके जिस भी समाज या पंचायत जो भी मांग किए हैं सबको कुछ ना कुछ दिए हैं, और विकास कार्य जो है हर एक गांव, नगर में, निगम में, हर जगह पर्याप्त मात्रा में जो है विकास कार्य हो रहा है। जी विकास की अगर बात करें, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार है और आपका जो विधायक है कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पीएचई मंत्री है, साथ में ग्राम उद्योग मंत्री भी हैं, लगातार दौरे पर रहते हैं, 4.5 वर्ष पूर्ण हो चुका है सरकार को। विकास की अगर बात करें, उपलब्धियों की अगर बात करें, तो विशेष उपलब्धियों को हम जानेंगे, क्या क्या उपलब्धियां विधानसभा को मंत्री जी के माध्यम से मिला। मैं बताना चाहूँगा, माननीय गुरु रुद्र कुमार जी के द्वारा जिस समय कोरोना महामारी क्षेत्र में था या पूरे संसार में था, उस समय जो है गुरु जी निश्चित होकर के पूरा क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़ में जो है मास्क से लेकर सैनिटाइजर, साबुन, सब चीज़ जो है वितरण किए हैं घरों घर जा जा करके। अहिवारा विधानसभा में खास करके जो है हर एक घर में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन वगैरह सब, और समय में उस समय महंगाई के नाम से या सामग्री वगैरह जो है नहीं मिल पाता था, तो उस समय भी जो है माननीय मंत्री जी क्षेत्र में सबको, किसी का पार्षद का निधि हो, पंचायत को सबको अधिकार दिया था उस समय जितना हो सके उतना मदद करना है, और हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले करके उसमें सहयोग किए थे। तो बंजारे जी का कहना है कि जो कोरोना काल का जो समय रहा पिछले 2 वर्ष पहले, उनमें मंत्री जी का अहम भूमिका रहा, चाहे वो सामग्री को लेकर हो या सैनिटाइज और मास्क को लेकर हो। बंजारे जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो पाया है, स्कूल, शिक्षा, नाली। और मंत्री जी चूँकि पानी का मंत्री हैं, पीएचई मंत्री हैं, शुद्ध पेयजल कितना अहिवारा विधानसभा को प्रदाय करवा पाया, ये जरूर जानना चाहेंगे हमारी जनता। हमारे क्षेत्र में क्या खनिज विभाग क्षेत्र है जी। इसमें जो है पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा था जी। तो अभी माननीय मंत्री जी के माध्यम से, चूँकि पीएचई मंत्री हैं, ग्रामोद्योग मंत्री हैं, इनके माध्यम से हर एक गांव में पानी टंकी और घरों घर मुफ्त में नल कनेक्शन दिया गया है, और इसका लाभ जो है ग्रामीण अंचल सब ले रहे हैं। हाल ही में सीएम साहब भेंट मुलाकात के तहत भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे, लोग बाग भेंट मुलाकात भी किए, साथ में मंत्री जी भी थे, और तमाम प्रकार की घोषणाएं की गई सरकार के द्वारा, और उसमें अमल भी किया जा रहा है। शेष 4 महीना बच गया है, क्या वो घोषणाएं जो सरकार के द्वारा की गई थी वो पूर्ण हो गई या होने वाला है?
निरंतर कुछ कुछ जो अभी घोषणा किए हैं उनका आना बाकी है, बाकी जितना भी पुराना घोषणा किए थे वो सब पहुंच चुका है और किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सब जितना भी घोषणा किए थे सब संपूर्ण होने जा रहा है जी। मंत्री जी, और किस तरह से नवाचार करेंगे अपनी विभाग के योजनाओं को लेकर, जिससे यहाँ के जो जनता हैं, नागरिक हैं, उनको लाभ मिलेगा? निरंतर क्षेत्र में जो है पीएचई का काम चल ही रहा है और इसका फायदा जो है केवल अहिवारा विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नल जल योजना का काम चल रहा है और इसमें जो है हर एक क्षेत्र के लोग, चूँकि पीएचई विभाग है, बड़ा विभाग है, बड़ा बजट है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ टंकी दिया जा रहा है, मुफ्त में नल कनेक्शन दिया जा रहा है घर तक। अब महिलाएं जो है पहले निकलती थी बाहर, रोड रास्ता क्रॉस करना पड़ता था, बहुत दिक्कतें होती थी महिला लोग के लिए, आज जो है घर में घर तक नल कनेक्शन जो है मुफ्त जा रहा है, इससे जो है कहीं ना कहीं उनके मन में खुशी होगी। बंजारी जी, एक सवाल का जवाब ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप मंत्री जी के करीब हैं और हमेशा आपकी चर्चा उनसे होते रहती है। आप लोग हर उप चुनाव को जीते हैं और जीतना भी चाहिए, क्योंकि जिनकी सरकार रहती है उनका प्रभाव रहता भी है, लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग अभी भी जो अहिवारा विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ पार्षद का, उसमें हार देखने को मिला, क्या कारण है? देखो, हार जी तो लगा रहता है, मेहनत जो है हम किए हैं, यहाँ अहिवारा से जो पावर हाउस नंदनी रोड है जामुल, कितने मंत्री विधायक आए चले गए लेकिन बना नहीं पाए, उसको मंत्री जी अपने कार्यकाल में बनाए हैं। मैं इसके लिए जितने भी गुरु जी के धन्यवाद दूंगा उतना कम है। रही बात चुनाव को लेकर के, चुनाव में हम लोग काम किए हैं लेकिन यहाँ चूंकि बीजेपी की अध्यक्ष हैं तो ये इनका जो है प्रभाव अलग से पड़ा है। जनता जो है सपोर्ट तो हमको किए हैं, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कार्यकर्ता में नाराजगी हुआ था, इसी कारण इसका नुकसान हुआ। दूसरा सवाल यह रहेगा आपसे कि राम वन गमन के तहत सुगम सड़क सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, चूँकि आपका जो विधायक है और वो विधायक जो है कैबिनेट मंत्री भी है, तो किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में सुगम सड़क का निर्माण माननीय विधायक महोदय ने करवा पाया? पिछले 4.5 वर्ष में जो है सुगम सड़क योजना के अंतर्गत नए नए सड़क का निर्माण हुआ है, इससे निश्चित ही गांव के लोग सब संतुष्ट हैं और क्षेत्र में हमारे बहुत सारे रोड माननीय गुरु रुद्र कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया है। भूपेश बघेल की सरकार को न्याय की सरकार कहा जाता है, अगर देखें हम गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना, चूँकि आप सहकारिता से जुड़े हुए हैं और अहिवारा सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, कितना लाभ में हैं पहले की अपेक्षा? क्या भाजपा के सरकार में ये नुकसान में था तो उनको आप उबार पाए हैं, कितना संभव कर पाए? माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, चूंकि उनके माध्यम से जो है 120 करोड़ के आसपास जो है सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक जो है प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि जितना भी योजना है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, ये सब का जो है खाता सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, बैंक से जुड़े हुए हैं और इनको जो है डायरेक्ट सरकार का जो पैसा आ रहा है इसके माध्यम से आ रहा है, इसमें जो है बैंक प्रॉफिट में चल रहा है, जिससे किसान भी संतुष्ट है, बैंक जिला सहकारी भी संतुष्ट है, निरंतर मतलब किसान के हित के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। किसान कुटीर का भी लोकार्पण किया गया, क्या है किसान कुटीर, इनको कैसे समझा जाए?
हमारी सरकार के माध्यम से, चूँकि एक किसानों का पार्टी है, किसान मजदूर व्यापारी सब का पार्टी है, किसानों को हित में देखते हुए, क्योंकि देखते हैं सोसाइटी में यहाँ आ जाते हैं किसान के लिए न कोई भवन है न बैठने की कोई व्यवस्था है, उसको देखते हुए किसान कुटीर भवन दिया गया है। इसमें सोसाइटी के अंडर में ये रहेगा और किसान के लिए बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, बाथरूम लेटरिन सब के लिए व्यवस्था दिया है। तो कहीं ना कहीं किसान कुटीर का जो लाभ है किसानों को भरपूर तरीके से मिलने वाला है, चाहे वो धान खरीदी केंद्र के समय हो, धान खरीदी के समय हो, चाहे फिर अन्य समय पे हो। मतलब कि जब किसान जब पहले आता था तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब किसान कुटीर के माध्यम से सर्व सुविधा युक्त किसान कुटीर का लाभ उनको मिलेगा। बंजारे जी, एक विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे, चूँकि हम आप सहकारिता से जुड़े हैं और सहकारिता में अहिवारा के अध्यक्ष हैं, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। पहले 15 साल की जो सरकार थी बीजेपी में और अब 4.5 वर्ष हो चुकी है कांग्रेस की सरकार को, कितना अंतर देखते हैं सहकारिता में, क्या परिवर्तन आया है? मैं तो अभी नए नए अध्यक्ष हूँ, बहुत दिनों से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, चूँकि मैं भी एक किसान हूँ, तो यहाँ देखा जाए तो सहकारिता विभाग में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजना है वो योजना का लाभ डायरेक्ट सहकारिता के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें जो है बैंक से लेकर यहाँ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सब संतुष्ट हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की जो CEO है अपेक्षा व्यास मैम, उनका कहना था कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना हो या फिर और भी तमाम योजनाएं हो, गोधन न्याय योजना हो, इन योजनाओं के कारण जो है बैंक जो है लाभ में है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बढ़ा है, किसानों का जो राशि है आवक है वो भी बढ़ा हुआ है, मार्केट में पैसा का फ्लो हुआ है। आप किस तरह से? निरंतर ही मैं बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो योजना का जो है लाभ बैंक को और किसान लोग को सबको मिल रहा है, चूँकि योजना का लाभ जो है डायरेक्ट बैंक के माध्यम से ही मिलना है, तो किसान जो है जिला सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं, इन लोग को जो है डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। बंजारे जी, एक सवाल और आपसे कि हम योजना पर चर्चा कर रहे हैं तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लाभ अहिवारा वासियों को किस तरह से मिल रहा है, कितना इंग्लिश मीडियम स्कूल है और विधायक महोदय के द्वारा कितना और स्कूल खुलवाने का प्रयास किया? 90 विधानसभा में एक अहिवारा ऐसा अकेला विधानसभा है जहां 1, 2, 3 नहीं चर्चर उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ दिया गया है। मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही गुरु रुद्र कुमार जी जो हैं निरंतर क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के बच्चे के बारे में जो है सोचते हैं, और निश्चित ही विद्यालय का लाभ जो है यहाँ के लोग ले रहे हैं अहिवारा क्षेत्र। क्योंकि चुनाव 4 से 5 माह शेष रह गया है, कुछ सरपंचों का कहना है कि हमको विकास कार्य नहीं मिल पाया, निर्माण कार्य जो है नहीं मिल पाया, चूँकि ग्राम पंचायतों का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। आप कितना इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, और विकास की गति बढ़ी है तो पंचायतों में उन्नत किस प्रकार से हो पाया? निश्चित ही हमारे सरकार के कार्यकाल में जो है विकास कार्य एकदम तेज़ी से हुआ है, पंचायत में थोड़ा बहुत कम बेसी जो है होता है, क्योंकि हमारा मान लो जाए 5 बच्चे हैं तो 5 का जो है सबको एक समान तो नहीं देख सकते, सेम वैसी है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, बाकी निश्चित ही विकास कार्य जो है हर एक गांव में करोड़ों को विकास कार्य दिया जा रहा है। तो बंजारे जी का कहना है कि कोई भी सरपंच नाराज नहीं है, सबको कम बेसी करके संतुष्ट किया गया है, किसी को अधिक किसी को कम, और सबको और भी विकास कार्य की सौगात विधायक जी और कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र जी के माध्यम से दिया जाएगा।
अभी 4 महीना शेष रह गया है, इसमें और क्या क्या संभावनाएं बनी हैं विकास की? पंचायत के माध्यम से हो चाहे नगर निगम नगर पालिका हो, सभी जगह माननीय गुरु रुद्र कुमार जी विकास कार्य लेकर के किसी भी जगह पार्टी लेवल नहीं देखते हैं। पहली बात तो वो जो है विकास देखते हैं, क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हमें करना है, कैसे करना है, ये सलाह लेकर के मंत्री जो है सबको भरपूर योजना का लाभ दे रहे हैं और विकास कार्य जो है निरंतर जारी है। मंत्री जी पीएचई मंत्री के साथ ग्राम उद्योग मंत्री भी हैं, क्या ग्राम उद्योग विभाग का लाभ इस अहिवारा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मिल पाया? बंजारे जी, हाँ, निरंतर ही गुरु जी जो है अहिवारा विधानसभा में कैंपस लगा करके ग्रामो उद्योग से रिलेटिव, चाहे हाथकरघा हो, महिला समूह के माध्यम से जो है निरंतर कैंपस लगा लगा करके यहाँ के लोग को ग्रामोद्योग विभाग से जोड़े हैं और इनका फ़ायदा भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। शिविर लगाया गया है, उनका लाभ मिला है? हाँ जी, निश्चित रूप से ग्राम उद्योग विभाग के तहत चल रही योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को मिला है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मंत्री के द्वारा लगातार हर ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। क्योंकि ये चट्टानी क्षेत्र है, खदान का एरिया है ये, और चट्टानी क्षेत्र होने की वजह से पानी की दिक्कतें बहुत थी, जिनको मंत्री जी ने पीएचई मंत्री होने के नाते इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बखूबी उन्होंने किया है और आगे भी वो करेंगे, ऐसा बंजारे जी का कहना है। क्या लगता है मंत्री जी, फिर से 2023 के चुनाव में इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कि सीटें चेंज करेंगे, क्योंकि आप एक कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं? मंत्री जी यदि किसी जगह जाएंगे तो भी हम क्षेत्र वाले गुरु जी को यहाँ लड़ने के लिए बोलेंगे और माननीय मंत्री जी जो है इस क्षेत्र के लिए इतना विकास कार्य किए हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। हम चाहेंगे कि गुरु जी यहीं से लड़े और निश्चित ही हमको विश्वास है कि गुरु जी यहीं से चुनाव लड़ेंगे, मतलब फिर इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे वो। चूँकि हम लोग भी कई बार से सुने हैं कार्यक्रम में कि वो इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और नागरिकों से समर्थन भी मांगना चालू कर चुके हैं, लगातार कमेटी की मीटिंग भी उनके द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस कमेटी की मीटिंग, बूथ लेवल की मीटिंग वो लगातार मंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ गुटबाजियां जो दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में, उनको किस तरह से दूर की जाएगी? नहीं, गुटबाजी वाला ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। गुटबाजी अहिवारा विधानसभा में बिल्कुल नहीं है? नहीं है, नहीं है जी। कुछ लोग मंत्री जी से नाराज भी हैं करके बीच में सुनाई पड़ रहा था। अब मैं तो बताया था, कुछ लोग ऐसे हैं, हर एक आदमी को संतुष्ट किया नहीं जा सकता है, लेकिन तो भी मंत्री जी अपने से जितना हो सके कार्यकर्ताओं के बारे में, जनप्रतिनिधि के बारे में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी को लगातार हम भी पढ़ते हैं और लगातार उनके कार्यक्रमों का समाचार हम बनाते हैं, काफ़ी जो है सरल और सहज हैं, हम लोग से भी सरलता से मंत्री जी बात करते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार निरंतर उनके द्वारा दौरा किया जा रहा है और 2023 विधानसभा में एक बार फिर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनकी जो लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है, चाहे वो कोई भी सीट से चुनाव लड़े, वो जीत हासिल करेंगे। बंजारे जी जैसे बता रहे थे कि चाहे वो कोई भी विधानसभा से लड़े, चाहे वो मुंगेली से या कहीं भी से, तो वो कहीं भी से जब चुनाव लड़े तो वो उनको जीत ही मिलेगी, क्योंकि वो समाज के एक एक नेतृत्वकर्ता है और पुरोधा है, समाज को चलाने वाला व्यक्ति है और पूर्वजों का जो वरिष्ठ है ना, उसके माध्यम से लगातार जो है मंत्री जी जो है उन पूर्वजों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं और मंत्री जी सतनाम समाज को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, सतनाम समाज के साथ साथ हर वर्ग को साथ में लेकर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।